बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलूमिया टीवी के मुअज्जिज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का वफादार ऊंट। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का एक ऊंट था जो 25 मरतबा आप अलैहिस्सलाम के हमरा सफरे हज पर गया था, और हत्ता के इमाम अलैहिस्सलाम ने एक बार भी इसको ताज़ियाना नहीं मारा था। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत के शब सिफारिश की कि इनके ऊंट का ख्याल रखा जाए। जब इमाम अलैहिस्सलाम ने शहादत पाए तो ऊंट उठकर सीधा इमाम अलैहिस्सलाम की कब्र मतहर पर पहुंचा और कब्र पर गिर गया, जबकि अपनी गर्दन जमीन पर मार रहा था और उसकी आंखों से अश्क रवा थे। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम इतला पाकर अपने वालिद की कब्र पर पहुंचे और ऊंट से कहा, आराम से हो जाओ, पुरसकून हो जाओ, उठो, खुदा तुझको मुबारक करार दे। ऊंट पुरसकून हो गया और उठकर चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस लौटा और पहले की तरह अपनी गर्दन को कब्र इमाम अलैहिस्सलाम पर मारने लगा। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने आकर उसको वापस कर दिया, लेकिन तीसरी मर्तबा वो फिर भी कब्र पर पहुंचा तो इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऊंट को अपने हाल पर छोड़ दो, क्योंकि वो जानता है कि अनकरीब मर जाएगा। रवायत में है कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की शहादत के 3 दिन मुकम्मल नहीं हुए थे कि ऊंट भी दुनिया से रुखसत हो गया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और दूसरों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।